फरुखाबाद में बीती रात घर से गायब हुई युवती की लाश बबूल के पेड़ पर संदिग्ध हालत में फांसी पर झूलते मिली। घटना के पीछे हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी। थाना क्षेत्र के ग्राम गौटिया निवासी 16 वर्षीय नीरजा पुत्री नंदलाल की लाश थाना क्षेत्र के सबलपुर वन विभाग की भूमि पर खड़े बबूल के पेड़ पर दुपट्टे से झूलते मिले। घटना की सूचना मिलने पर मृतका की मां उषा देवी के साथ ही अन्य परिजन मौके पर आ गए। उनका रो रोकर बुरा हाल है। सीओ अजय शर्मा, थाना अध्यक्ष देवेंद्र गंगवार ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। घटना के पीछे गांव के ही एक युवक से प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया। पुलिस पड़ताल कर रही है। परिजनों ने हत्या कर शव लटका देने का आरोप लगाया। सीओ अजय शर्मा ने बताया कि जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई होगी। आज 10 बजे के लगभग थाना अध्यक्ष थाना राजीपुर के द्वारा अवगत कराया गया कि सुश्री नीरजा रावत, जिनकी उम्र 14 वर्ष है, डाटा श्री नंदराम ग्राम पश्चिम गोटिया के निवासी हैं, जिनके द्वारा जंगल में पेड़ के पास पेड़ पर फांसी लगा ली गई है। सूचना पर तत्काल मैं मौके पर पहुंचा। महिला आरक्षी के माध्यम से, परिजनों के माध्यम से उसको वृक्ष से उतार करके महिलाओं के माध्यम से पंचायत नामा उतरवाने के उपरांत तत्काल पोस्टमार्टम की कार्रवाई ही हेतु भेज दिया गया है। परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी जा रही है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए जाने के लिए थाना अध्यक्ष को मेरे द्वारा निर्देश प्रदान कर दिए गए हैं। शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।